हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ स्पेशली बिगनर्स की जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं या घर में केक्स वगैरह बनाना चाहते हैं कम सामान में। मतलब ऐसा सामान हम उसकी बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, आपको बेसिक केक बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट टूल मुझे लगता है वो होता है वेइंग स्केल। कई सब्सक्राइबर कमेंट करके हमें पूछते थे इनकी रेसिपी कप्स में बताइए। देखिए, कप्स की रेसिपी हो सकती है छोटे लेवल पे जब आपको काम करना हो, लेकिन कॉस्ट वगैरह जब निकालनी होती है तो आपकी जो कप्स की रेसिपी होती है वो काम नहीं आती है। उसको इजीली आप बड़ा नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट टूल होता है आपका वेइंग स्केल। देखो, मेरा 1.5 साल पुराना वेइंग स्केल है, अभी बैटरी डाउन है तो इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने दो दो रखे हुए हैं बैकअप के लिए भी अगर खराब हो जाए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टूल है आपका वेइंग स्केल। दूसरा आता है आपका ये देखो, मेरे पे बड़ा पैकेट है, हालांकि ये है प्रीमिक्स पाउडर। प्रीमिक्स पाउडर से आपका स्पॉन्ज बहुत ही ज्यादा फ्लफी, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनता है। स्क्रैच से जब आप पेपर बनाते हैं नहीं बनता, सिंक हो जाता है या हार्ड हो जाता है, टेस्ट नहीं आता। तो ये आपके पास होना ही चाहिए। ये मैं गुडरिच का यूज़ कर रहा हूँ, और कंपनीज भी आती हैं, ठीक है। और ये 5 किलो का पैकेट है, और जो स्केल वगैरह आते हैं ये 400, 300, 250 रुपये में आपको मिल जाते हैं। ये हमें मिलता है 675 रुपये का 5 किलो। तो 1 किलो का पैकेट आपको तकरीबन 150 रुपये में भी मिल जाता है। तो 150 रुपये किलो के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें चॉकलेट भी आता है, रेड वेलवेट भी आता है, उन दोनों का प्राइस थोड़ा डिफरेंट है। और चॉकलेट वाला 750 रुपये का 5 किलो आता है। तो 1 किलो का आप देख लेना, अगर आपको स्टार्टिंग बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है। तो थर्ड इम्पोर्टेंट टूल है हमारा ये हैंड ब्लेंडर बोल सकते हो, हैंड बीटर बोल सकते हो, हैंड मिक्सर बोल सकते हो। मैं यूज करता हूँ बजाज का HM01, और बहुत ही अच्छा है। 250 वॉट में है, लेकिन आपकी ये 1 लीटर क्रीम को 2-2.5 मिनट में मैक्सिमम फैट के रख देता है। तो अभी तक भी मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। बड़ा मैंने टेबल टॉप मिक्सर नहीं लिया है, प्लेनेटरी मिक्सर नहीं लिया है, इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। 1700-1800 रुपये, मैक्सिमम 1900 रुपये का आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो तीन हमारे इंपॉर्टेंट टूल हो चुके हैं यहाँ पे। चौथा है आपका ये टर्न टेबल। ये टर्न टेबल है 10 इंच का, स्टील में। मैंने टर्न टेबल की एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप वो देख सकते हो। मैं इसको यूज करता हूँ अगर आपको आधा 1 किलो के केक बनाने हैं। जो बिगनर्स होते हैं जिन्हें नहीं आता, ज्यादा बड़े नहीं बना सकते, तो वो ये ले सकते हैं। 1000 रुपये, 900 रुपये या 1100 में मिल जाती है कई बार रिटेल में। सो 100-200 रुपये अगर आप रेट ऊपर नीचे होता तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एक बार ही लेना होता है। तो ये हो गया हमारा टूल। अब उसके बाद बात कर लेते हैं मोल्ड की। देखिए, ये है 6 इंच का मोल्ड है, इसमें 5 इंच का मोल्ड है। हाइट इनकी 3-3 इंच की हाइट, इतना मैटर नहीं करती है। तो इसमें आप आसानी से आधा किलो का केक मतलब स्पॉन्ज बना सकते हो इन तीनों में। ये छोटा वाला 5 इंच का है, ये 6 इंच का है, ये हार्ट शेप में 6 इंच का, अगर आपके पास आधा किलो का ऑर्डर आता है। तो 150 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से जो हम बैटर बनाते हैं वो इसमें इजिली आ जाता है। और 1 किलो केक के लिए है हमारे पास 8 इंच के टिन है। एल्यूमिनियम टिन ही आप यूज करना, वो जो नॉन स्टिक आते हैं वो मत लेना, वो कुछ दिन बाद रस्ट आ जाता है उनमें, वो बेकार होता है। इसमें बेकिंग काफी अच्छी होती है। तो इसमें आपका 1 kg के लिए स्पॉन्ज इजिली बन जाता है। इसमें 300 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर का बना हुआ बैटर इजिली आ जाता है दोनों में। तो इससे आप 1 kg का स्पॉन्ज बना सकते हो। अब बात आ जाती है फ्लेवर। फ्लेवर आपके पास अगर देना है, देखिए तरीके तो बहुत होते हैं, आप फ्रेश फ्रूट से कंपोत वगैरह बना के भी कर सकते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेसिक्स की। और नॉर्मली जो मार्केट में ट्रेंड है, इस तरह की बॉटल्स आती है क्रश की। देखिए, मेरे पास माला कंपनी का है ग्रीन एप्पल, और ये गुडरिच का है मैंगो। तो दोनों अच्छी कंपनी है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी आता है, पाइनएप्पल आता है, मैंगो आता है, वनीला आता है, सॉरी वनीला नहीं आता, बटर स्कॉच आता है, ग्रीन एप्पल, ब्लूबेरी, ब्लैक करंट, ऑरेंज। तो ये सारे फ्लेवर्स आते हैं। और ये तकरीबन, ये तो 1 लीटर की बॉटल है 170 रुपये की, और ये 750 ml की बॉटल है 150 रुपये की। तो आप ऑनलाइन प्राइस चेक कर सकते हैं इनके भी। और ये जो मोल्ड आते हैं 100 से 200 रुपये के बीच में आते हैं, आपको रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है।
तीसरा आता है अगर आप पाइनएप्पल केक बना रहे हो तो उसमें चॉप पाइनएप्पल अगर आपको डालने हैं तो इस तरह के टिन आते हैं, इन्हें कॉकटेल पाइनएप्पल बोलते हैं, या 80 रुपए का आता है और इसका वेट है 425 ग्राम। ये मॉडर्न का है, बिरला मॉडर्न का, काफी अच्छी कंपनी है ये, ठीक है। अगर आपको फ्रूट केक बनाना है अंदर फ्रेश फ्रूट डाल के भी बना सकते हो, लेकिन जो नॉर्मली चलता है वो ये कॉकटेल फ्रूट चलता है और ये भी 80-85 रुपए का आता है। इसका नेट वेट है 850, ड्रेन वेट है 425 ग्राम, ये भी इजीली आपको मिल जाता है, ठीक है जी। अब ये चीजें हमारी हो गई हैं, उसके बाद आती है आपकी क्रीम, व्हिपिंग क्रीम आपके पास होनी ही चाहिए। आप ये मत सोचना कि घर पे बैठ के क्रीम से बना ले, या जो आपको वीडियोस में दिखता है कि इससे बनाए झटपट बनाए, आपको क्रीम ले लेना। अगर आप बिगनर हो तो 1-1 लीटर की पैकिंग आती है वो ले लेना, जब आपको जितनी जरूरत है उतना निकाल लेना। बाकी व्हिप क्रीम के भी ऊपर मैंने एक वीडियो डाली है, कैसे उसको निकालना है, कैसे व्हिप करना है, वो आप देख सकते हो। ये मुझे 120 रुपए की 1 लीटर पड़ती है, 100 रुपए में भी आती है 1 लीटर, 80 में भी आती है, पर आप 100 से नीचे नहीं जाना। तो 100 से नीचे जितनी भी क्रीम आती है वो काफी मतलब लो क्वालिटी की होती है। अगर आपको अच्छे केक खाने हैं, अच्छी क्रीम लगानी है, तो आप इस ब्रांड पे जा सकते हो। नहीं तो ट्रोपोलाइट की भी आती है, गुडरिच की भी आती है, वो आप यूज कर सकते हो। तीसरा तीसरा तक नहीं बोलेंगे, नंबर भी मैं भूल गया। ये आते हैं कलर्स, जेल कलर्स। जेल कलर्स आपको क्रीम में कलर करने के लिए यूज करना होता है, तो आप ये कंपनी भी यूज कर सकते हो। कलर की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है। तो ये 60-80 रुपए, कई कई रिटेल में लोग तो 100 रुपए में भी दे देते हैं एक, इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे MRP लिखी हुई है 200 रुपए। तो कोई 60 रुपए का भी दे देता है, कोई 80 का भी दे देता है, कोई 100 का ही देता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं पाइपिंग बैग की। ये पाइपिंग बैग आते हैं 3 साइज में, ये स्मॉल है, ये मीडियम है, लार्ज है। डिस्पोजेबल होता है, एक बार यूज करो उसके बाद थ्रो कर दो। एक पैकेट में आते हैं 100, तो ये 80 रुपए, 100 रुपए और 120 रुपए के हिसाब से पैकेट आता है। ये आपके पास होना ही चाहिए, बहुत टाइम सेविंग होता है, बहुत जल्दी काम होता है। आपको बटर पेपर से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप ये ले सकते हो एक बेसिक, जो आपको अब काम शुरू करना है। जब ऐसे मिक्सिंग बाउल आते हैं बहुत सारे, ये माइक्रोवेव सेफ भी होता है, इसमें आप अपनी चॉकलेट वगैरह मेल्ट कर सकते हो, क्रीम व्हिप कर सकते हो, इसमें अपना बैटर को भी बना सकते हो। जब आपको स्पॉन्ज बनाना है तो 2-3 साइज के आप ले सकते हो। ये हमें तकरीबन 100 रुपए का पड़ा था, इससे बड़ा जो आता है वो 120 का है, छोटा 80 का है। ये है हमारा बाउल, इस पे तो लिखा नहीं, हाँ 2500 ml, 2.5 लीटर का है ये। तो ये काफी सफिशियंट है क्रीम व्हिप करने के लिए, आधा लीटर इसमें एक बारी में हो जाता है। अब आपने मान लीजिए केक बना लिया, लेकिन बनाने के लिए उसके जो स्पेशल टूल होते हैं, ये लैंग्वेज को शायद पहले नहीं बाद में बोलनी थी। तो केक बनाने के लिए, फिनिश करने के लिए इस तरीके के पैलेट नाइफ आते हैं। एक ये एल शेप में है, दो है मेरे पास, ये 4 इंच का है, ये 8 इंच का है, इसमें फ्लैट भी आता है। और इससे आप 1/2 किलो से 1 किलो तक का केक बना सकते हो, 1.5 किलो का भी बना सकते हो। और अगर आपको फ्लैट चाहिए तो फ्लैट भी ले सकते हो, लेकिन एल शेप बिगनर्स के लिए काफी अच्छा रहता है, क्योंकि आपको एक स्पेस मिल जाता है काम करने के लिए। और ये छोटी मोटी डेकोरेशन के लिए या गनाश वगैरह केक पे लगाते हैं उसके लिए यूज होता है। ये भी 100 रुपए और 80 रुपए का आ जाता है इजीली, और इस पे तो कोई नाम भी नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। एक आपके पास बड़ा नाइफ होना चाहिए, अगर आप जैसे आपको पाइनएप्पल चॉप करना है या फ्रूट कॉकटेल है वो चॉप करने हैं, चॉकलेट चॉप करनी है, तो एक बड़ा नाइफ ले लेना। ये भी 8 इंच का है, ये 200 रुपए का लिया था मैंने। एक ब्रेड नाइफ होने चाहिए आपके पास, ये 8 इंच का है, थोड़ा छोटा पड़ जाता है कई बार हमें। अगर मैं आपको अपना बड़ा नाइफ दिखाऊं एक बार, तो ये है मेरे पे बड़ा नाइफ, तो ये नहीं लेना आप, ये ले लेना 8 से 10 इंच का आता है, और ये भी 120-140 रुपए में आपको मिल जाएगा, कंपनी की कोई जरूरत नहीं है। हैंड विस्क, हैंड विस्क किस लिए यूज होता है, कई बार आपको मान लीजिए छोटी क्वांटिटी में कलर मिलाना है क्रीम में। एक बॉल में आपने व्हाइट कलर की अपनी क्रीम ले ली, उसमें कलर डाला और हाथ से मिक्स कर लिया। बैटर भी आप इससे बना सकते हो, जब आपकी लाइट चली जाए, व्हिप करनी हो क्रीम, तो इससे कर सकते हो। ये भी 150 रुपए का आ जाता है, लेकिन ये मुझे मिला था जब मैं थाईलैंड गया था, ये फ्रांस से एक शेफ लाए थे, उन्होंने मुझे दिया था। ये है स्पैचुला, ये भी देखो हमारा टूट चुका है, लेकिन ये आपके पास अच्छी कंपनी है, सिल्को मार्ट आती है, उसके सिलपैड वगैरह भी आते हैं, बहुत अच्छा टूल है। इसको आप यूज कर सकते हो जब आपको क्रीम निकालनी है, बैटर निकालना है, कुछ भी काम करना है, तो उसके लिए ये होना ही चाहिए आपके पास। ये गर्म चॉकलेट वगैरह है या कुछ भी चीज है उसमें भी चल जाता है, मेल्ट नहीं होता है। ये 150 रुपए का मुझे मिला था, और इसके भी सेट आते हैं, इससे भी बड़ा आता है, इससे छोटा भी आता है।
छोटा रखा है कहीं गंदा पड़ा है अभी, तो ये देख लेना आप। ठीक है जी, आपने इसे प्लेन केक बना लिया। अगर आपको पैटर्न देना है तो इस तरह के कॉम्ब भी आते हैं, 3 का सेट भी आता है इस तरीके से, तो आप ये यूज कर सकते हो। 80 रुपये में आपको 3 का सेट मिल जाएगा, काफी अच्छा है स्टार्टिंग के लिए। अच्छा ये बहुत परेशान कर दिया, तो आप ये यूज कर सकते हो प्लेन के लिए, इस तरह का यूज कर सकते हो। आने का तो देखो बहुत सारे हैं मेरे पास, और भी 10-12 है, तो आपको इतनी जरूरत नहीं है। बेसिक बिगनर के लिए तो 2-3 आप रख लेना, ऑनलाइन मिल जाते हैं इजिली 80 रुपये 100 रुपये में ही। ये होते हैं बोर्ड, ठीक है, केक बोर्ड होते हैं। ये 8 इंच का है, ये 10 इंच का है, इस पे आधा किलो केक आता है, इस पे 1 किलो का केक आता है। ये आराम से आपको 8 रुपये का मिल जाता है, ये 10 रुपये का मिल जाता है, तो इसी पे रखोगे आप केक, नहीं तो कैसे दोगे। ठीक है जी, अब आपको ये चॉकलेट आती है, मेरे पे 2M की रखी हुई है चॉकलेट अभी। इसी में व्हाइट कंपाउंड भी आती है, इसमें डार्क कंपाउंड भी आती है। इसका रेट अभी मार्केट में शायद 115 या 117 रुपये किलो है, सॉरी आधा किलो मतलब, ये तो आधा किलो 117 या 115 रुपये की है MRP, तो इस पे अभी लिखी नहीं है, 130 रुपये लिखी हुई है, पर हमें 115-117 रुपये की मिल जाती है। तो आप मोर्डे यूज कर सकते हो, 2M कोकोआ यूज कर सकते हो, काफी अच्छी चॉकलेट है ये भी, बहुत पुराना ब्रांड है, तो ये आपके पास होनी ही चाहिए। व्हाइट थोड़ी महंगी आती है, व्हाइट आती है 150 रुपये की आधा किलो, तो आप मोर्डे या 2M कोकोआ में जा सकते हैं, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है जी, अब आपका बन चुका है केक, अब क्या करना है, उसको फिनिश करना है, थोड़ा नोजल वर्क भी करना है, तो नोजल वर्क करना है। नोजल के लिए देखिए मेरे पास दिखाने को तो इतने सारे नोजल है, पर मैं इनको यूज ही नहीं करता। अगर आपको ऑनलाइन मंगानी तो आप मंगा सकते हो, बेसिक जो होते हैं यूज, मैं नूर के, मेरे पास देखो ये नोजल रखा हुआ है, 1G का नोजल, बहुत अच्छा इससे रोजेट बन जाता है। और ये 2 तरह के मेरे पे रोज के नोजल है, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये 50 रुपये का सिंगल पीस मिल जाता है आपको ऑनलाइन देखोगे तो। ये इसका नंबर है 1G, और ये होता है ग्रास नोजल, ये भी आपको मिल जाएगा इजीली। ये एक प्लेन नोजल यूज कर लेते हैं हम, तो नोजल तो बहुत तरह के आते हैं, ये स्टार है, ओपन स्टार है, इसमें 5 पॉइंट स्टार है, ये भी है, इसमें कितने हैं, 3, 3, 6, 8 है, इसमें 8 पॉइंट है, तो 8 पॉइंट का स्टार है ये, तो इतने ही यूज होते हैं। ज्यादा ज्यादा आपको 4, 5, 6 होने चाहिए आपके पास, ठीक है। और ये फ्लावर नेल जिसपे हम रोज बना लेते हैं इजीली, और ये है 6B, ये ड्रॉप देने के लिए काम आता है, नूर का ही है ये, और ये है 113 नंबर का, ये लीफ बनाने के, बस इतना ही काफी है। एक से आपका रोजेट बन जाएंगे, इससे ड्रॉप बन जाएगी, इससे लीफ बन जाएगी, इससे आपके रोज बन जाएंगे, ठीक है। तो इतने ही काफी है, आपको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी लेना चाहते हो तो 12 या 24 का सेट आता है, उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन उन पे नंबर नहीं होते हैं, तो इसलिए फिर मैं इनको, ये मैंने शुरू में लिए थे तो इन पे भी नंबर नहीं थे, तो आपको मैं बता नहीं पा रहा, बट ये है, ये रोज नोजल है। और ऑनलाइन अमेजन से परचेज करते हो तो मेरे हिसाब से जो सेट आता है वो 150 रुपये में आ जाता है। अब केक आपका बन गया पैक, आप इस तरीके से कर सकते हो। ये बॉक्स है नॉर्मल कोरोगेटेड बॉक्स, 8 इंच का, इसमें आधा किलो केक आ जाता है, ये भी 10 रुपये का है, 10 इंच का 12 रुपये का है, और इससे बड़े आ जाते हैं, वो 10 इंच वाले में 1 किलो केक इजिली आ जाता है, तो ये 10 रुपये का है, 10 इंच वाला 12 रुपये का है। इसमें बहुत तरह के बॉक्स आते हैं, हम पे बहुत पूरा इधर देखोगे शेल्फ तो रखा हुआ है, बट बिगनर्स के लिए, बेसिक्स जो करना चाहते हैं उनके लिए ये केक बॉक्स सफिशियंट है। इस तरह के आप 100-100 ग्राम के पैकिंग में कलर्ड बॉल्स वगैरह ले सकते हो, गोल्डन बॉल्स भी आती हैं, ये 140 रुपये का शायद बॉक्स है, स्टैंडर्ड कंपनी का। गोल्डन बॉल आती है, सिल्वर बॉल आती है, 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो छोटी पैकिंग ले लेना आप, 140 रुपये का ही बॉक्स है। और एक चीज और दिखा देता हूँ, ये होता है न्यूट्रल ग्लेस, ये बकेट आती है 350 रुपये की, डेल्टा कंपनी की, ये न्यूट्रल होता है, इसमें आप कलर वगैरह मिला के, जैसे रेड कलर मिलाओगे स्ट्रॉबेरी के ऊपर लगा सकते हो, येलो मिलाओगे तो पाइनएप्पल के ऊपर भी लगा सकते हो, और फ्रूट केक जब आप फ्रूट कट करते हो तो इसमें मिक्स करके, ताकि आपके फ्रूट्स काले ना हो, उसके लिए भी ये यूज होता है। तो इसमें फ्लेवर्स भी आते हैं, लेकिन बिगनर्स को लेने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ न्यूट्रल ग्लेस लेना, उसमें कलर वगैरह मिला के, एसेंस वगैरह मिला के आप अपना ग्लेस तैयार कर सकते हो। 350 रुपये की है, 2.5 kg की,
तो ये तो सारी बातें हो गई बिगनर्स के लिए, जो आपके पास होनी चाहिए उनका प्राइस भी मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है। ज्यादा ज्यादा मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए 5-6 हजार का सामान होगा ये। एक ओटीजी आपके पास होना चाहिए जिसमें आप बेक करोगे। ये नाइफ वगैरह आप दे सकते हो, ये तो पैकेट बहुत सस्ता आता है, 150 रुपए के 100 आ जाते हैं। कैंडल्स हैं जैसे 2-2.5 रुपए का एक डब्बा पड़ता है हमें। और दिखाने को तो मैं आपको बता दूं, एक बार मैं बोलूंगा भैया से, देखो हम पे कितने तरीके के बॉल्स हैं, कितने तरीके के केक टॉपर्स हैं, यहाँ पे भी सब तरह के बॉल्स हैं, फोंडेंट्स हैं। ये बेसिक्स, जब आप बेसिक से ऊपर जाओगे, और इधर भी हमारा सारा सामान भरा हुआ है, फोंडेंट के कटर है, टूल्स है, ये कलर्स हैं, बहुत तरह के कलर्स हैं। देखो बॉक्स देखो आप, ये बॉक्स देखो, इधर देखो कितने तरह के बॉक्स हैं, कैरी बैग है। तो दिखाने का पर्पज मेरा ये है, अगर आपको बेसिक करना है, स्टार्टिंग करना है, तो आप सिर्फ इतना लें, जब आपका हाथ सेट हो जाए, जब आप काम करके आगे बढ़ लें, अब आपको लगे कि मेरे को एडवांस लेवल पे जाना है, तो बहुत सारे टूल्स आते हैं। एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई हैं, तो वो आप देख सकते हो। और ऐसे टॉपर्स वगैरह भी ला सकते हो, देखो 1-1 रुपए के आते हैं, हैप्पी बर्थडे के, हमने तो पूरा बॉक्स भरा हुआ है। ये प्लास्टिक के भी आते हैं, पेपर के भी आते हैं, तो इनसे आपका काम हो जाएगा। 5-6 हजार का ये ज्यादा ज्यादा रॉ मटेरियल है, 6 हजार का आपका ओटीजी आ जाएगा। बस आप उसी से स्टार्ट कर पाओगे अपना केक का बिजनेस, या फिर घर में जो केक बनाने हैं। देखिए कोई और कुजीन की बात करे तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट इतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो केक का काम है तो उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू में बहुत ज्यादा होती है, टूल्स बहुत तरह के लेने पड़ते हैं आपको। तो उसी में से मैंने आपको सेलेक्टेड टूल बता दिए, जिससे कि आपका काम स्टार्टिंग में चल जाएगा, और फिर जब आपको लगे कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, तो आप फिर एडवांस लेवल पे जा सकते हो। बहुत तरह का माल मिलता है, मतलब डेकोरेशन का आइटम मिलता है, तो फिर आप वहाँ एक ऊपर स्टेप जा सकते हो। चलो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं, और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और मैं आपके जवाब जरूर दे दूंगा। चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।